बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल्फ प्रैक्टिस 10B मैंने आपको कंप्लीट करवाया। मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम टाइम्स को देखते हैं, है ना, कैसे क्लॉक में हम टाइम देखते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, इवन कैसे वर्ड में लिखते हैं, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और आप तो आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 10C जो है उसे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे सीखेंगे कैसे हम AM लिखेंगे, राइट, कैसे हम PM लिखेंगे, कब AM लिखेंगे, कब PM लिखेंगे, ये सारी बातें को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए इनको समझते हैं। सो हियर इज दैट यूजिंग AM एंड PM। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठ रहा होगा कि AM का फुल फॉर्म क्या होता है, PM का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बच्चे तो PM का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर सोच लेते हैं, बट यहाँ पे बच्चों जो PM है ना, इस PM का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। PM मतलब पोस्ट मैरिडिन होता है और AM मतलब एंट मैरिडिन होता है, राइट। चलिए तो देखते हैं आगे कह रहे द टाइम सोन ऑन द क्लॉक गिवन अलॉन्ग साइड इज 8:25। तो ये जो आप क्लॉक देख पा रहे होंगे, इस क्लॉक में ये जो आप दिख रहा है ये छोटी सुई है, यानी हावर की हैंड है, और ये जो है बच्चों ये मिनट की सुई है, मतलब मिनट है। तो ये घंटा और मिनट की सुई है और ये 8 और 9 के बीच का है और ये 25 पे है, राइट। तो 8:25 हो रहा है, ओके। सो बट वी are not able to determine whether is 8:25 is the morning या evening, but ये चीज़ें हम define नहीं कर पा रहे हैं ना कि ये morning में 8:25 हो रहे हैं या evening में हो रहा है, right? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे समझेंगे, चलिए आगे देखते हैं। So कह रहे a day has 24 hours, do you know, ये तो आप जानते ही हैं कि एक दिन जो होता है ना बच्चों वो कितने दिन का, कितने आवर्स के होते हैं, 24 डेज का होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि 12 आवर्स क्लॉक, राइट, वी यूज टू हावर हैंड्स अराउंड द क्लॉक इन 2 times एंड सो द सिमिलर ट्वाइस इन अ डे। ये जो हमारे वॉच है, ये जो हमारी घड़ी है, ये जो हमारे क्लॉक है, ये 12 o'clock यानी 12 बजने वाले, यानी ये जो घड़ी है इसमें सिर्फ 12 बजते हैं, जो आप रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, है ना, या फिर जहाँ पे एयरपोर्ट होता है वहाँ पे आप देखते होंगे, वहाँ पे 24 घंटे वाले क्लॉक लगी हुई होती है ना। तो वहाँ पे आप AM और PM आसानी से डिफाइन कर पाएंगे, बट इसमें डिफाइन करना मुश्किल होता है। सो कैसे, चलिए इनको भी आपके लिए ईजी बनाएंगे, आगे देखते हैं। कह रहे हैं द डिफरेंस दिस वी यूज टू AM, यानी ये जो टाइम की बताने की जो अलग अलग प्रोसेस है ना, इसी को यूज करने के लिए हम लोग AM यानी एंट मैरिडिन, टू सो द टाइम्स इज आफ्टर मिडनाइट, ठीक है, बिफोर नून, एंड PM इज अ पोस्ट मैरिडिन। देखो AM का फुल फॉर्म क्या हो गया, एंट मैरिडिन, और PM का फुल फॉर्म क्या हो गया, पोस्ट मैरिडिन, ओके, टू सो द आफ्टरनून टू मिडनाइट। अच्छा अब आप इनको देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ पे कह रहे सो 8:25 इज द मॉर्निंग इज रिटन टू AM। अगर 8:25 मॉर्निंग का समय है तो हमारा AM लग जाएगा, और अगर कह रहे एज द सेम टाइम इज अ नाइट, अगर यही नाइट में अगर 8:25 होता है तो उसे हम क्या लिखेंगे, PM लिखेंगे। तो आपको ये समझ में आया, अब मॉर्निंग में अगर होता है तो हम क्या लिखेंगे, AM लिखेंगे, और अगर इवनिंग में होता है तो हम इसे PM लिखेंगे। तो चलिए इनका याद करने का ट्रिक्स कैसे है, कैसे याद रखेंगे सर, तो चलो नेक्स्ट पेज में आपको दिखाते हैं कि कैसे इजी तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं और चुटकियों में आप बता पाएंगे कि कब AM है और कब PM है। अच्छा उससे पहले थोड़ा सा ये मैथ अलर्ट है, इनको भी आप समझ लो। देखो वी डू नॉट अटैच AM और PM इज 12। जब देखो बच्चों 12 के रात बजते हैं या 12 दिन यानी नून होता है, तो उस टाइम ना तो हम AM लगाते हैं और ना ही PM लगाते हैं, ये चीजें आप ध्यान रखना, राइट। देखो कह रहे हैं ना 12 वी हैव टू रिटर्न टू 12 इज मिडनाइट एंड 12 मिडनाइट इज आल्सो रिटर्न टू 12 नून, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखना
कि कई बच्चे क्या करते हैं 12 बजते हैं डायरेक्ट एएम या पीएम लगा देते हैं, तो ये ध्यान रखना अगर एग्जैक्टली 12 o'clock हो रहा है तो ना तो वहां पे एएम लगेगा ना ही पीएम लगेगा। अगर मिडनाइट है तो मिडनाइट होगा और नून है तो नून होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिडनाइट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मिडनाइट और ये लिखा है नून, यानी मिडनाइट अगर होता है ना, मिडनाइट से लेकर के नून तक का जो टाइम होता है ना उसको हम लोग एएम बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। यानी मिडनाइट से लेकर के नून तक के जो टाइम होते हैं उसको हम लोग एएम बोलते हैं, और नून से लेकर के फिर मिडनाइट तक जो टाइम होता है ना उसको हम लोग पीएम बोलते हैं। तो एएम आपको समझ में आ गया, रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक जो होता है वो एएम होता है, और दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक पीएम होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? तो ये बेसिक टेबल्स है, आप इनको अच्छे से याद कर ले। ओके, अच्छा, अब रिमेंबर में देखो क्या कह रहा है, अ डे बिगिंस 12 मिडनाइट एंड एंड्स 12 मिडनाइट, यानी कह रहा है कि अगर दिन की जो शुरुआत होती है ना रात के 12 बजे से शुरुआत होती है और दिन के 12 बजे जाके खत्म होती है, ये जो है डे और नाइट की प्रोसेस होती है टाइम का, ये आपको ये रिमेंबर में कह रहे हैं, आप इसे याद रखें। यानी जो डे स्टार्ट होता है रात के 12 बजे ही स्टार्ट हो जाता है और दिन के 12 बजे जाके खत्म हो जाता है, और नाइट भी जो है आप यही कह सकते हैं कि रात के दिन के 12 बजे से स्टार्ट होता है रात के 12 बजे जाके खत्म हो जाता है, तो ये डे और नाइट के प्रोसेस होते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया कि एएम कब से कब लगाना है और पीएम कब से कब लगाना है। तो इसी के बेस पे देखो बच्चों आपको यहाँ दिया है सेल्फ प्रैक्टिस टेंसी, तो इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। सो हियर इज दैट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं राइट द टाइम यूजिंग एएम और पीएम, यानी कहाँ पे एएम लगेगा कहाँ पे पीएम लगेगा। तो अब आप समझिए यहाँ पे अच्छे से, 5:30 इन द मॉर्निंग, तो देखो मॉर्निंग का समय है, तो मॉर्निंग में क्या होता है आपको हमने क्या बताया कि रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो होता है ना वो होता है हमारा मॉर्निंग, यानी एएम होता है। तो ये एएम आ जाएगा, तो यानी ए में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे एएम लगाएंगे, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे देखो 2:30 इन द आफ्टरनून, 2:30 इन द आफ्टरनून मतलब इसके बाद हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आप पीएम लिखेंगे। देखो 6:05 इन द इवनिंग, इवनिंग में भी बच्चों पीएम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 5:45 इन द इवनिंग, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पीएम आ जाएगा। 9:20 एट अ नाइट, तो 9:20 एट अ नाइट, नाइट में क्या होगा बच्चों पीएम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11:45 इज द मॉर्निंग, तो 11:45 इज द मॉर्निंग की अगर हम बात कर ले तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एएम आ जाएगा। तो अभी आपने देखा कि कैसे हम एएम लिखेंगे और कैसे हम पीएम लिखेंगे, ये चीजें आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अच्छा अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग टाइम इन द वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे वर्ड में दे रखा था और आपसे पूछा जा रहा था कि आप यहाँ पे यूज कीजिए एएम और पीएम, एएम कहाँ लगेगा पीएम कहाँ लगेगा। अब आपसे एएम और पीएम दे दिया है और आपसे ये पूछा जा रहा है, तो देखो आप यहाँ पर लिख सकते हो 5:25 एएम, एएम होता तो इसका मतलब क्या हो गया मॉर्निंग हो गया, इन द मॉर्निंग, राइट। यहाँ पे देखो 8:45 पीएम है तो इन द इवनिंग हो जाएगा, 7:30 क्या होगा इन द इवनिंग हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा मॉर्निंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पीएम है तो इवनिंग हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं एएम है तो मॉर्निंग हो जाएगा, राइट। तो ये आपने मॉर्निंग इवनिंग आपको लिखना है, ये आसानी से आप लिख पाएंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मैंने बच्चों लिख रखा है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है ना 5:25 है तो इन द मॉर्निंग आप इस तरीके से लिख दीजिए वर्ड में, कह रहा है लिखने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है 5:20 इन द मॉर्निंग, राइट। यहाँ पे 7:30 या 8:45 है ना तो 8:45 पीएम है तो इन द इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 7:30 पीएम है तो यहाँ पे क्या इन द इवनिंग हो जाएगा, यहाँ पे 8 ऐसे लिख देना 7:30 इन द इवनिंग, राइट। यहाँ पे 3:35 तो क्या लिखेंगे इन द इवनिंग हो जाएगा, इवनिंग होगा या मॉर्निंग होगा बताओ,
क्या है यहाँ पे एम है ना, तो मॉर्निंग हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, एम है तो आपको पता है मॉर्निंग है, पीएम है तो इवनिंग हो जाएगा, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा जैसे ये भी यहाँ पे देखो कह रहे टू पी एम, तो टू पी एम क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि जो 12 बजे से दिन के 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, या फिर आप 5 बजे से पहले तक, हम उनको आफ्टरनून भी बोलते हैं, तो आप आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आफ्टरनून लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो कह रहे 6:20, नेक्स्ट जो है कह रहे 6:20 एएम है, तो इन द मॉर्निंग की बातें होगी, तो ये मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पे बहुत बेसिक सा है बट आपको समझना जरूरी है। व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हो रहा है ये हमसे पूछ रहा है। 2 hours before 11:15 AM, यानी 11:15 AM से बिफोर, मतलब पहले 2 घंटा कितना बज रहा होगा ये हमें बताना है। तो देखो 11 से 1 घंटा पहले देखें तो 10 बज रहा होगा, 10 से 1 घंटा बाद में देखें तो 9 बज रहा होगा, यानी 9:15 हो रहा होगा फर्स्ट का, बट कैसे लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे बच्चों वर्ड में लिख रखा है जिससे कि आप समझ पाए। देखो ये हमारा टाइम है, कह रहे इससे 2 घंटा पहले, तो इससे 2 घंटा पहले, घंटा की बात कर रहे, मिनट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें सिर्फ चेंज होगा हावर्स में। तो हावर्स में 1 घंटा कम करो तो 10 बज जाएगा, 10 में 1 घंटा कम करोगे तो 9 बज जाएगा, तो 1 घंटा और 2 घंटा हो गया, तो यही तो रिजल्ट आया। यानी कह रहा है कि 11:15 AM से 2 घंटा पहले कितना बज रहा होगा, तो 9:15 हो रहा होगा, तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, 9:15 हो जाएगा। बात समझ में आया, यस ओके। चलिए अब देखिए बी में क्या कह रहा है, 1 hour आफ्टर, आफ्टर मतलब क्या होता है बाद में, यानी 1:20 PM हो रहा है, तो इसके बाद 1 घंटा और, तो क्या हो जाएगा 2:20। देखो हमने ये लिखा 1:20, इसके आफ्टर मतलब इसके बाद, इसके एक के बाद क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, और ये 20 मिनट है, तो ये तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, क्लियर। तो बिफोर मतलब होता है बच्चों पहले, आफ्टर मतलब क्या होता है बाद, तो ये ध्यान आपको रखना है अच्छे से। चलिए अब आप देखिए इनके सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, 3 hours after 5:30 AM, तो 5:30 AM से 3 घंटा बाद, तो देखो 5:30 घंटा में चेंज हो रहा है, मिनट में कुछ भी नहीं, क्योंकि हावर्स कह रहे हैं ना, इसीलिए अगर मिनट भी होता तो मिनट में देखते। तो देखो 5 के बाद क्या होगा बच्चों, 5 के बाद 6 बजेगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या हो गया 8, देखो 1, 2, 3 hours हो गए, तो 8:30 ये आपका क्या होगा आंसर बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो ना 3 घंटा बाद कह रहा है, 5:30 है, उसके 3 घंटे बाद कितने समय होगा, तो आप ये कह सकते हो, क्लियर। अच्छा अब आप डी में देखिए क्या कह रहे हैं, 5 hours before, देखो बिफोर मतलब पहले, 2:45 से 5 घंटा पहले पूछ रहा है हमसे। तो देखो आप यहां पे ध्यान देना, मैं थोड़ा सा यहीं से लिख रखा हूं अच्छे से, देखो 2:45 समय टाइम है, इससे 5 घंटा पहले, तो देखो 2 के पहले क्या होगा 1 बजेगा, तो मैंने 1 लिखा, 1 के पहले क्या होगा 12 बजेगा लिख दिया, फिर क्या होगा 11 बजेगा, फिर क्या होगा 10 बजेगा, फिर क्या होगा 9 बजेगा, तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हो गया ना 5 घंटा, यानी 9:45 PM होगा, क्या होगा बच्चों 9:45 PM होगा, आप इस तरीके से लिख सकते हो। कई बच्चे डायरेक्ट भी लिख देते, बट डायरेक्ट मत लिखना बच्चों, ये मैंने आपको एक एक पॉइंट लिखा है जिससे कि आपको क्वेश्चन की फील समझ में आ जाए और आप समझ पाओ और अच्छे से आंसर्स लिख पाओ। सो चलिए ई पार्ट को देख लेते हैं, ई में देखो कह रहे 4 hours before 2:15 AM, तो यहाँ पे देखो वर्ड फिर आ गया बिफोर मतलब पहले, तो यहाँ पे जो है ना 2 नहीं बच्चों 9 है, ध्यान रखना ये 9 है, 9:15 हो रहा है ना, 9:15 हो रहा है, तो इससे 4 hours पहले, तो पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया इससे 4 hours जाना है, तो 9 से पहले क्या होगा 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले क्या हो गया 5, तो देखो 1, 2, 3, 4 hours हो गया, तो 4 hours अगर इससे पहले की बात करें तो 5:15 यानी 5:15 हो जाएगा, और यहाँ पे एएम लिख जाएगा तो एएम लिख देंगे। अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखिए इनका क्या कह रहा है,
6 आवर आफ्टर 7:25 AM। अच्छा 7:25 AM से 7 आवर्स बाद, इसके बाद, सॉरी 6 आवर्स है ना, तो 6, तो देखो पहले क्या लिखोगे, हमने ये टाइम लिख दिया, इसके बाद मतलब इसके 7 के बाद क्या होता है 8 आता है, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10, 11, 12 और 12 के बाद तो 13 होता नहीं, तो क्या होता है इसके बाद तो 1 आ जाता है, तो मैंने 1 लिखा। ठीक है, अब काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आवर्स हो गए। तो कह रहे हैं 6 आवर आफ्टर 7:25, तो 7:25 से 6 आवर बाद क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों 1:25 हो जाएगा, यानी 1:25, और यहाँ पे क्या था एएम था, तो यहाँ पीएम में आ गया, तो ये आपका पीएम में आंसर हो गया, राइट। तो ये क्या था थर्ड क्वेश्चन के ऐप पार्ट्स था। चलिए देख लेते और भी क्वेश्चन है क्या। अच्छा तो बच्चों इसमें क्या है ना, आपको सेल प्रैक्टिस 10E में आपको थर्ड का एफ तक ही है, राइट। तो इसी के साथ आपका सेल प्रैक्टिस 10C कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।